So I will just request one thing from all of you before starting this video. What is that? I request all of you, please take one step into this. Aapke jo bhi question hai, whatever the question you have, that should be in the comment box under the right video. ये नहीं कि एक वीडियो का दूसरे वीडियो के कमेंट में हो तो उसको थोड़ा ढूंढने में परेशानी होती है. दूसरा, पर्सनल इनबॉक्स में आप वही क्वेश्चन डालें जो आपके लिए आपकी लाइफ में पर्सनल हो. अदरवाइज कुछ ऐसे हैं नॉर्मल क्वेश्चंस जो आप लोग डाल रहे हैं लेकिन वो सबके लिए बराबर हैं. बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन इनबॉक्स में डाल रहे हैं. अगर आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो एक ही आंसर से सबकी समस्या सॉल्व हो जाएगी. तो दैट इज माई रिक्वेस्ट, फॉर द सेक ऑफ अदर पीपल्स प्लीज कमेंट अंडर द वीडियो. दूसरा, कुछ लोग यूट्यूब चैनल से भी वीडियो देख रहे हैं तो वहां के वीडियो के कमेंट उसी यूट्यूब चैनल के वीडियो के नीचे डालें, क्योंकि दोनों वीडियोस के अंदर ढूंढना में थोड़ी सी परेशानी होती है टीम को, जो टीम इस पे काम करती है. बहुत बहुत धन्यवाद. और एक क्वेश्चन था जो स्पेसिफिकली आप लोगों ने बहुत ज्यादा पूछा है कि जो मांगलिक है वो सिर्फ शादी विवाह में देखा जाता है, मांगलिक को बच्चों के लिए नहीं देखा जाता, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं. ये शायद वो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी अभी सीख रहे होंगे या अभी एस्ट्रोलॉजी में करियर शुरू किया होगा. मेरे अपने स्टूडेंट्स को तो मैं बताता ही हूँ, बट मैं आपको भी बताना चाहता हूँ. मेरा एक पुराना वीडियो है सोलमेट सबकॉन्शियस माइंड, सोलमेट वर्सेज पैरासाइकोलॉजी, एंड दूसरा वीडियो है मांगलिक वर्सेज पैरासाइकोलॉजी. दोनों वीडियो जरूर देखिएगा. उसमें मैंने बताया है एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा काम है देश काल पात्र. जब एस्ट्रोलॉजी की रचना हुई होगी तो एस्ट्रोलॉजी में क्या हुआ होगा, उस जमाने का जो समय था वो बिल्कुल अलग था. उस समय जो संतान थी उनको सिवाय पिता की आज्ञा का पालन करने के अलावा और कोई जगह ही नहीं दी गई थी. दे हैव टू फॉलो द रूल्स. जैसे भगवान राम सिर्फ ये पता करने पे कि मेरे पिता ने मेरे बिहाफ पे वचन दिया था वो वन में चले गए. अगर आप भीष्म की कहेंगे महाभारत में, तो उनको सिर्फ ये था कि मेरे पिता को सिर्फ एक कन्या से प्यार हो गया है, उसकी वजह से उन्होंने वो प्रतिज्ञा कर ली, उनको किसने बोला नहीं. तो वो देश काल पात्र का समय था, उस वजह से वहां पे जो बच्चों के ऊपर था मंगल का इसलिए नहीं लगाया जाता था. वहां बहुत सारे गुरु होते थे, वो उनको ज्ञान देते थे, और जो माता पिता हैं उनकी बात भी बच्चे बड़े आदर से मानते थे. आज आप अपने बच्चों को एक बार बोलिए कि बेटा आज तू थैला लेके जा और 5 किलो सब्जी ले आ, यू विल गेट द आंसर. ये थोड़ा सा जोक हो गया, बट फैक्ट ऑफ द स्टोरी इज लाइक दिस. जो भी पेरेंट्स हैं वो इस दर्द को समझते हैं. आज की जनरेशन चेंज है, उस जनरेशन में ये चीजें तब भी इंपैक्ट करती थी, आज भी इंपैक्ट करती है, क्योंकि ग्रह तो सारी जगह पे. मैंने आपको बताया था एक बॉक्स से हम 70 चीजें देखते हैं, 70. तो लेकिन आज हम सिर्फ मांगलिक की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम उस पर फोकस ज्यादा है. तो ये बच्चों पे भी उतना इंपैक्ट करता है जितना इंपैक्ट ये आपकी अपनी लाइफ पे करता है. तो ये आप क्लैरिटी रखें बिल्कुल. देश काल पात्र की वजह से बच्चे भी इसमें इंक्लूड है. दूसरा, उस जमाने में औरतों को पूर्णतया स्वतंत्र था, पूर्णतया स्वतंत्रता थी, वो अपना पति चूज कर सकती थी. रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को चूज किया था अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके, द्रौपदी ने अपनी इच्छा से कर्ण को मना कर दिया था. बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन बीच में हम लोग गुलाम रहे, उस वजह से ये काफी चेंजेस आ गए. तो उस जमाने में स्त्री को पूर्ण अधिकार थे अपना पति चूज करने के, इस वजह से उनको मांगलिक बता दिया जाता था ताकि उनके दिमाग में रहे चूज करते टाइम कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है. स्टिल उसकी अपना डिसीजन है, अगर वो चूज करना चाहती है तो कर सकती है. और इसको भगवान राम ने प्रूव भी किया है, वो खुद मांगलिक थे तो उनको कितने साल सीता जी से वियोग सहना पड़ा, प्रॉब्लम हुई, आप सबने रामायण में पढ़ा होगा. तो ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए डिटेल में आंसर किया, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि मंगल से जो मांगलिक है उसे हम बच्चों का नहीं देखते, टीनेज का नहीं देखते, हमें देख लेना चाहिए क्योंकि देश काल पात्र की वजह से अभी समय चेंज हो गया है. तो हमें इस चीज को बिल्कुल ध्यान से नोट करके देना चाहिए, आपकी प्रेडिक्शन ज्यादा अच्छी हो. तो अब आज हम शुरू कर रहे हैं लगन मंगल वर्सेस पैरासाइक्लोजी. लगन मंगल होता क्या है पहले मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, कोई भी कुंडली से हम जज कर सकते हैं जी.
जैसे ये तुम खोल लिए मेरे सामने, शायद कैमरे पे आपको मैं दिखा पाऊं। यस नाउ इट इज स्लाइटली मोर क्लियर। तो ये लगन होता है, ये तो नंबर वन पोजीशन, ठीक है, ये लगन है जो फर्स्ट पोजीशन है। यहां पे अगर मंगल हो तो उसका क्या इंपैक्ट होता है आप पे, और पैरासाइकोलॉजिकली वो क्या क्या चीज में ब्रेन को प्रॉब्लम देता है, ब्रेन वेव में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इसको हम कैरी करते हैं अभी। सबसे पहले वो पर्सन जिसके लगन में मंगल होगा वो कैसा बिहेव करेगा, अग्रेसिव होगा, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होगा, इंपल्सिव बिहेवियर होगा, ठीक है, सडन बिहेव करेगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस उसको बार बार परेशान करेगा लीडरशिप क्वालिटीज में। प्लस भी होता है, ऐसा नहीं है कि मंगल से नेगेटिव होते हैं, बहुत सारे प्लस होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ मांगलिक की बात कर रहे हैं, मांगलिक वर्सेस पैरासाइक्लोजी। तो ये सारे उसके अंदर जैसे कहते हैं प्रॉब्लम्स होंगी या डिसऑर्डर्स होंगे जिसकी वजह से वो रिएक्ट करेगा। इंपल्सिव बिहेवियर, वो क्रुएल्टी तक जा सकता है, अग्रेशन में भी वेरी हाई, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है उसको बहुत सारी, सडन बिहेव करेगा, सडनली अग्रेसिव हो जाएगा और सडनली कभी कभी काम हो जाएगा। तो हम साइकोलॉजिकली उनको क्या बोलते हैं, मैनिक है पर्सन या डिप्रेसिव है, और कभी कभी अटेंशन बड़ी डेफिशिएंट होगी, आप कुछ भी बोलते रहो वो अपनी धुन में रहेगा, he will enjoy his own life, own thoughts, he will not listen to you. So when he will not listen to you, he will enjoy his own or her enjoy in own thoughts, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, क्रुएल्टी बढ़ जाएगी, और इसके लिए साइकोलॉजी में एक वर्ड यूज होता है ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बहुत ज्यादा होने के चांस है। तो ये जो मंगल का असर है पैरासाइकोलॉजिकली बहुत सारी जगह पे होता है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि क्यों होता है, क्या वजह है। तो जो हमारी नॉर्मल स्टेज है वो स्टेज को हम बोलते हैं बीटा स्टेज, ये हमारी ब्रेन वेव की स्टेज है, इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा जो मैं बोल रहा हूं, बट आप ये समझिए कि हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर है उसके लिए साइंटिस्ट या साइंस ने एक नाम रख दिया बीटा, ठीक है, इट्स वेरी क्लियर, बड़ा आसान। हम गामा में जाते हैं, कब जाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, जब हम किसी एक चीज पे टारगेट ले लेते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, सारा दिन उसी धुन में रहते हैं, तो हम गामा वेव में होते हैं। बट गामा वेव के अंदर हमें माइंड ज्यादा रहने नहीं देता नॉर्मल कंडीशंस, वो वापस से बीटा में ले आता है, क्योंकि गामा वेव में जब आप ज्यादा जाओगे, जैसे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ उस टाइम आप गामा वेव, आप कुछ नहीं समझ रहे, जो आदमी पे आप गुस्सा कर रहे हो उस आदमी में कुछ अच्छाइयां भी होंगी ना, उसकी अच्छाई क्वालिटी भी होंगी, बट आप सब भूल जाते, उसने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा भी किया होगा, बट यू आर जस्ट शाउटिंग शाउटिंग शाउटिंग। दिस इज कॉल्ड इन साइकोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है पार्शियल मेंटल स्टेज, दिस इज कॉल्ड पार्शियल मेंटल स्टेज। तो हमें पार्शियल मेंटल स्टेज में माइंड रहने नहीं देता ज्यादा देर, हमें वापस ले आता है। लेकिन अगर हमें बार बार उसी स्टेज में रहने की आदत हो जाए या हम उसी स्टेज में रहें तो विच इज कॉल्ड ए डिसऑर्डर, क्योंकि उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए डिसऑर्डर इन साइकोलॉजी। और उसको हम अगर एस्ट्रोलॉजिकली बोलें तो मंगल का दोष हो गया, मांगलिक दोष है, लगन में मंगल का दोष हो गया, इससे बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं। लेकिन आज हम उनके ऊपर फोकस करेंगे जो मेजर है, जो मेन है, ठीक है। सबसे पहला इंपैक्ट हम लेके चलते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इंपैक्ट बहुत ही इंपल्सिव बिहेवियर, सडनली वो कहेगा आपको कि मेरे को आज अपने एक फ्रेंड के पास जाना है, बहुत सीरियस इशू है उसका, और वहां जाएगा नहीं। आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे भी देखे होंगे, तो कहीं बता के जाते हैं कहीं पहुंच जाते हैं, ऐसे फैमिली लाइफ के अंदर रिलेशनशिप भी होंगे, आपको बहुत सारी चीजें बताएगा या बताएगी और वो कहीं और पहुंच जाएगा या जाएगी, ये दोनों पे एप्लीकेबल है। अगेन बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो
इनबॉक्स में मैं हर बार बोलता हूँ इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मेल एंड फीमेल। तो ये लोग क्या है, रिलेशनशिप की वैल्यूज नहीं है, सडन बिहेवियर है। कभी कभी इतना रिलेशनशिप में आपको दिखाएगा कि आप बहुत क्लोज हो उसके, और सडनली वो आपको ऐसे दूर कर देगा जैसे वो पहचानता नहीं है आपको। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल देना, ठीक है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, हमारे जो कुछ लोगों के रिलेशनशिप चल रहे हैं, उस रिलेशनशिप में वो दोनों मेल फीमेल एक रिलेशन में है, सडनली क्या हुआ, सडनली वो कह गया, मान लो मेल ने बोला वो लड़की ने पता नहीं मेरे से बोलना छोड़ दिया, या लड़की ने बोला और मेल ने मुझसे बोलना छोड़ दिया है, क्या रीजन है मुझे नहीं पता। तो दिस इज इंपल्सिव बिहेवियर। हो सकता है उसका कुछ टारगेट रहा, वो अचीव हो गया, उसके बाद वो दूर हो गया या दूर हो गई। तो हर एक की एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करते हैं, दे आर इमोशन के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर दे आर जस्ट डैम केयर अबाउट योर सेल्फ, दे विल बी वर्क लाइक ए डिक्टेटर। रिलेशनशिप का आपका क्लियर हो गया, आपको ऐसे बहुत सारे लोग एनवायरमेंट में मिलेंगे। अगर आप उनकी बात सुन रहे हो तो आपकी बिल्कुल जय जगह करेंगे, सडनली आपने कुछ बोलना शुरू किया वो नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप के मैटर्स हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है, और यही लोग आगे जाके डिवोर्स में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन द इमोशंस। इमोशन क्या है, इमोशंस में सेक्रीफाइस होता है, हम दूसरे की बात को बिना कहे समझ जाएं उसे ही इमोशन बोलते हैं। और अगर समझ उसके बोलने के बाद भी समझ जाएं तो भी बहुत बढ़िया, लेकिन ये जो लगन मांगलिक लोग हैं ये इमोशनलेस होते हैं, राइट, बिकॉज इनके अपने गोल्स फिक्स होते हैं, दे आर फोकस्ड ओनली ऑन देयर गोल्स अचीवमेंट एंड their life focused। वो आपके किसी भी इमोशंस को कभी समझेगा ही नहीं या समझेगी नहीं, और उस वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो आप लोग फेस करते होंगे, राइट। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ऐसा मतलब बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता होगा, मान लो घर में मियां बीवी ने एक डिसीजन लिया, किसी ने भी, एक ने लिया, मान लो हस्बैंड ने कहा कि कल एक पार्टी है उसमें तुम्हें चलना है, और मान लो वो लेडी लगन मांग ली है, वो सडनली बोलेगी नहीं मैं नहीं जा सकती, मेरी बहुत सारी असाइनमेंट्स है, मेरा बहुत सारा जॉब है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। अब सडन क्या हुआ, उसने वो गया पार्टी में, उसने बहुत सारी बेचारे ने भूमिका बनाई होगी कि नहीं वो नहीं आ सकती, उसकी ये प्रॉब्लम है वो, फिर सडनली शी विल से ओके आई एम कमिंग विद यू। सो वो पहले नहीं समझ रही और बाद में भी नहीं समझ रही, और ऐसा रिवर्स भी होता है कि आदमी भी ऐसा बिहेव करते हैं और वो लेडीज को बहुत सारी कम्युनिकेशन गैप्स हो जाते हैं जिनको उनको समझाने में सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो इमोशनलेस। और थर्ड विच इज द मेजर थिंग दैट इज कॉल्ड ओवर पोजेसिव। ये सबसे डेंजरस एरिया है ओवर पोजेसिव। ये लोग बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव होते हैं, इनमें ईगो लेवल बहुत ज्यादा होता है, और ओवर पोजेसिव होने से क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक रिलेशनशिप है, सडनली उसने लड़के ने लड़की को किसी से बात करते हुए देख लिया, चाहे वो उसके रिलेशन में है, चाहे वो जस्ट उसको जानती है, नथिंग सीरियस इनटू दिस, बट वो उसके घर भी पहुंच जाएगा, उस आदमी से बात भी करेगा और उसी चीज को कुरेता रहेगा जब तक कि वो इस लेवल पे ना आ जाए कि वो रिलेशनशिप ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा फैमिलीज में भी होता है और ऐसा बच्चों में भी होता है, ठीक है। बच्चा अगर मोबाइल देख रहा है, आपने बोला, वो डांट के रख दिया मोबाइल रख दे, तो उसने रख दिया मोबाइल, उसके बाद गलती से आपने मोबाइल उठा लिया, तो आपको इतना परेशान करेगा मोबाइल को लेके कि या तो आप उसको बोल दोगे कि भाई तू देख ले, चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे आप कोई और काम कर रहे हो। सो दीज पीपल्स आर रियली ओवर पोजेसिव, अपने लिए ज्यादा पोजेसिव होते हैं, और इसके लिए इनमें जो सबसे बड़ा डिसऑर्डर आता है डिसऑर्डर, ये सबसे बड़ा डिसऑर्डर है जो आजकल की जनरेशन में मैक्सिमम बच्चों में देखने को मिलेगा, बड़ों में भी देखने को मिलेगा, और
विडंबना ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये जानते हैं कि हम में ये प्रॉब्लम है, बट हम उसको मानने को तैयार नहीं, हम उसको करेक्शन करने को तैयार नहीं है। इसी को कर्म ज्ञान कहते हैं कि हम उसको बार बार भोग रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर हम उसको करेक्ट करा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पार्ट के अंदर ये बोला जाता है शादी के लिए एस्ट्रोलॉजी में कि दोनों मांगलिक की शादी कर दो, विच इज ए नॉर्मल कंडीशन। ये वैसी ही कंडीशन है कि एक क्लास में सबसे शरारती बच्चा है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मान लो वो सारा सामान तोड़ देता है, उठा पटक करता है, तो क्या होगा? सडनली क्लास टीचर ने बोला, बेटा आज से तुम मॉनिटर। अब वो मॉनिटर बन गया, जो सामान आप उसको दोगे उसको वो हाथ नहीं लगाने देगा किसी को। तो वैसे ही दो मांगलिक की जब शादी होती है तो वो एक जैसे इंपल्सिव बिहेवियर के होते हैं, तो एक दूसरे से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पर कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा, तो मैं उसका पहले ही जवाब देता हूं, क्या मांगलिक के डिवोर्स नहीं होते? बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि खाली मंगल शादी में काम नहीं करता, बहुत सारे और ग्रह हैं जो काम करते हैं। तो उस वजह से अगर किसी और प्लेनेट की वजह से प्रॉब्लम हो तो एस्ट्रोलॉजिकल वो सारी चीजों को देख के ही आपको रिजल्ट बताता है कि मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन मंगल से जो जो प्रॉब्लम आती है वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का अगर मांगलिक भी हो, वो मांगलिक सोल्यूशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन हो रहा है। दो सेम थॉट के लोगों की शादी कर रहे हैं, और 90% हम ऐसा सोचते हैं कि दोनों अगर सेम लोग हैं, सेम थॉट है उनकी, और आप उनकी शादी कर दोगे तो डेफिनेटली वो शादी चल जाएगी। दिस इज एक्सपेक्टेशन। पर अब हम आते हैं पैरासाइकोलॉजिकल व्यू पे, विच इज कॉल्ड पैरासाइकोलॉजिकल। में हम क्या करेंगे? पैरासाइकोलॉजी में इसकी थेरेपीज है, देयर आर द थेरेपीज फॉर दिस, कि आप गामा में जाओ तो तुरंत बीटा में वापस आ जाओ। उसके कुछ प्रोसेस हैं जिसके वजह से आप गामा में जाओगे नहीं, अगर जाओगे तो थोड़ी ही देर में, विद इन 2 मिनट 3 मिनट, यू विल कम डाउन टू बीटा स्टेज, विच इज अ नॉर्मल स्टेज। और मैरिज वगैरह के लिए सोलमेट टेस्ट है, बच्चों के लिए ब्रेन वेव टेस्ट है, पेरेंटिंग के लिए पेरेंट्स का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्रेन वेव टेस्ट होता है। पार्टनरशिप के ऊपर भी ये असर करता है मंगल। उस जमाने में पार्टनरशिप क्या होती थी? जुबान की होती थी, अगेन देश काल पात्र की बात है। उस जमाने में पार्टनरशिप को जुबान पे लिया जाता था कि मैंने जुबान दे दी, मैं फॉलो करूंगा। कलयुग में कितनी है, हमारे पॉलिटिशियंस रोज जुबान बदल देते हैं, हम लोग खुद जुबान बदल देते हैं, ठीक है ना? तो हमारा जो स्टेटस है वो हर बार चेंज हो रहा है कलयुग में। तो देश काल पात्र की हम बात कर रहे हैं यहां पे। अगर आपकी पार्टनरशिप्स हैं और मंगल का कहीं ऐसा इंपैक्ट है तो वो पार्टनरशिप को भी परेशान करेगा, ओवरशैडो करने की कोशिश करेगा या श्रूडनेस दिखाएगा। और घर में भी वही सेम प्रॉब्लम है। मैरिज के अंदर आपको पता ही नहीं वो आदमी क्यों श्रूड बन रहा है, क्यों श्रूड इंपैक्ट कर रहा है, राइट? ये सारी चीजें अगर आपको अपनी सोसाइटी में कहीं देखने को मिल रही है तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं उस पर अगर एस्ट्रोलॉजिकल है तो मंगल का प्रभाव हो सकता है, और अगर साइकोलॉजिकल है तो पैरासाइकोलॉजी में वर्ड यूज किया जाता है, वो आदमी ज्यादातर गामा स्टेज में रहता होगा और उन गामा स्टेज की वजह से जो ब्रेन है वो पार्शियल मेंटल स्टेज में रहता है, और उसी वजह से वो काफी चीजें सोचने समझने की शक्ति को छोड़ देता है, और उस वजह से उसका रिएक्शन वैसा ही होता है। आई थिंक फ्रॉम लगन टू मंगल इट इज नाउ क्लियर टू यू। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस क्वेरीज को हमसे शेयर करिए, हम उसका पूरा आंसर देंगे। और स्टूडेंट्स की अगर कोई क्वेरीज हो वो अलग से डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसके अगली जो वीडियो बनाएंगे आपसे शेयर करेंगे, वो करेंगे मंगल की पोजिशन, विच इज कॉल्ड फोर्थ पोजिशन। आपको पोजीशन पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वी आर ऑल नॉट द एस्ट्रोलॉजिकल पर्सन, दिस इज कॉल्ड द फोर्थ पोजीशन। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू? नो,
नॉट विजिबल दिस, जहां मैंने ये उंगली रखा था, ठीक है। अगर यहाँ कहीं मंगल है तो आप डेफिनेटली अपनी कुंडली को उठा के देख सकते हैं। आप बिहेवियर मैच कर सकते हैं, जो मैंने आज लगन का बताया, बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप में आप उन चीजों को नोट कर सकते हैं, आप अपने बच्चों में वो चीजें नोट कर सकते हैं कि अगर वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो हमें जरूर उस पर कोशिश करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ताकि उसमें हम ये चेंजेस करके उसे नॉर्मल स्टेज में ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।